हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधीश और जिलों के पुलिस प्रमुख बुलाए हैं। कोविड काल में हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड की स्थिति पर फीडबैक के साथ सभी जिलों के एसपी और डीसी से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट ले रही है। सुबह से सभी अधिकारी प्रेजेंटेशन के जरिए जिलों का हाल बता रहे हैं। हर साल के आखिरी महीने में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होती है, लेकिन कोविड के चलते इस बार सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ महामारी से पैदा हुए हालातों की वजह से बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। हिमाचल में अनलॉक फेज के बाद तेजी से बढ़े कोविड संक्रमण के कारणों और समाधान दोनों पर जिला अधिकारियों के साथ मंथन चल रहा है। कमिश्नर्स एंड बुलाए गए हैं, एसओडीज भी हैं कोविड के मद्देनजर। क्या अपडेट है, क्या रिपोर्ट है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? देखिए, एक तो ये बैठक जो है विशेष बैठक है, एक साल में एक बार इस बैठक करने की एक प्रक्रिया रही है और डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, और उस दृष्टि से सभी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और एसपी यहां पर मौजूद हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं। हमने काफ़ी कम किया है नंबर को इसका के जो हमने एक रजिस्ट्रेशन इम्पोज की है। इस पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज को लेकर के सब लोग चर्चा करते हैं और गवर्नमेंट की योजनाएं उन पर डिस्कशंस होते हैं, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन किस प्रकार से हो सकता है, उन तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत होती है। कोई डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज, ऐसे इश्यूज जिस पर हमको कोई निर्णय करना है, कोई स्टाफिंग का कोई इशू है, कोई और इस प्रकार के और क्रॉनिक इश्यूज क्या क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिनका समाधान होना चाहिए, ऐसे इश्यूज पर डिस्कशन होता है। लेकिन अब की बार की ये बैठक हमारी ज़्यादा फोकस्ड है कोविड पर, कोविड क्योंकि कोविड के चलते जो हालात बने हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसको हम डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ नीचे तक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मॉनिटर करते हैं, और ऐसी सूरत में आज इनके व्यवहारिक सुझाव जो है सामने बैठ करके इस बैठक में मिल रहे हैं और